वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे यू आर सीइंग व्लॉगिंग विद हल। तो लास्ट वाला व्लॉग में मेरा अच्छा खासा रिस्पांस दिखा फर्स्ट 25 मिनट्स टू हाफ एन आवर, क्योंकि पहले क्या होता था कि मैं बहुत किसी को शेयर करता था वीडियो, उसके बाद मेरा अच्छा खासा रिस्पांस दिखता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस वीडियो में। पता नहीं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत खुशी हुआ कि फाइनली मेरे व्यूअर्स मेरे को देख रहे हैं। एटलीस्ट मैं वो आपसे ले पा रहा हूँ, वो आप वो रिस्पांस दिखा पा रहे हैं मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल काम खत्म हुआ और मैं घर वापस आ गया। आज थोड़ा लेट हो गया, आज थोड़ा दोस्त के साथ काम था मेरे को, तो अभी बज रहा है फिलहाल 12। तो आपको तो पता चल गया है कि तो फिलहाल मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ क्योंकि बाहर से काफी नॉइज आ रही है और अभी थोड़ा गर्मी लग रहा है मेरे को। तो फिलहाल मैंने ट्राइपॉड सेट कर दिया है, पता नहीं आपको मेरा फेस आ रहा होगा कि नहीं। तो आपको इतना तो पता चल गया कि मैं अकेले नहीं, लेकिन मैंने अपने दो दोस्त के साथ शॉर्ट फिल्म का चैनल खोला है। तो आगे कुछ अच्छा शॉर्ट फिल्म आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। मैंने वो जो वीडियो छोड़ा था वो मैंने एक दिन में एडिट करके, मैंने एक ही दिन में एक ही घंटे में शूट करके एडिट करके मैंने डाल दिया जैसे तैसे, क्योंकि मेरा भी एग्जाम चल रहा है। अभी मैं किसी से मिल भी नहीं पा रहा हूँ और जिस बंदे के साथ मैं कर रहा हूँ उसका भी अभी एग्जाम चल रहा है फिलहाल। उसका शायद 5 या 6 तारीख को खत्म होगा, मेरा भी एक हफ्ता लग जाएगा। एनी हाउ, तो मैंने एक वीडियो ऐसे ही जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल, फॉर मतलब बोल सकते हो कि बस चैनल को जिंदा रखने के लिए मैंने वो खोल दिया। अब जब डालूंगा, अभी थोड़ा सा शूट हुआ है, चल रहा है, ऐसे कुछ वेट कीजिए आएगा। और मेरा अभी हाथ दर्द कर रहा था तो मैंने ट्राइपॉड लगा दिया। और साइकिल का हालत बहुत ही खराब है क्योंकि काफी दिनों से मैं चलाया नहीं हूँ, पूरा गंदा है साइकिल। अभी बारिश में धो के कोई मतलब नहीं है, बस हल्का फुल्का धो दूंगा मैं, क्योंकि कल आप बाइक खरीदो, कल आप साइकिल खरीदो, बारिश का दिन है, अभी खराब हो जाएगा, अभी पुराना हो जाएगा। और एक चीज मेरे को बात करना था, अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब हुआ, मेरे को नहीं पता था ऐसा हुआ है। तो दो बाइकर्स डेथ हो गया ड्यू टू एक्सीडेंट, और वो मेरे को नहीं पता कैसे हुआ नहीं हुआ, मेरे को बस पता नहीं था, मैंने बस देखा वीडियो तो पता चला मेरे को। मैं इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, अभी आप समझदार हो, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि जब मैंने टर्बो एक्सट्रीम का वीडियो देखा तो मैं बहुत बुरा फील कर रहा था। कि आप मान लीजिए आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, पूरा घुस के आप वीडियो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं उसको, बहुत बुरा लगता है। मैंने कल वैसे ही रात को मैंने पूरा बहुत ध्यान से वो वीडियो देख रहा था, फिर बहुत बुरा लगा मेरे को वो वीडियो देख, बहुत खराब लगा। थोड़ी ये सब बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू गेट यू गाइज मोटिवेटेड। तो जो भी हुआ जैसे हुआ, फिलहाल वेदर काफी अच्छा है बाहर का। लेट मी शो यू, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये बंदा बार बार आपको वेदर ही दिखाता है, क्योंकि वेदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि वेदर मेरे लिए सब कुछ चेंज कर देता है। अभी मान लो मन खराब है, अभी वेदर अच्छा हो गया, मैं घूम के आ गया कुछ है, तो अभी मेरा लैपटॉप में जो प्रोसेसर है उसका स्पेक्स कुछ i3 4th gen है। तो अगर मैं उसमें एडिट करने बैठा, मेरे को प्रीमियर प्रो सीखने का बहुत मन था क्योंकि बहुत प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मूवीज वगैरह उसी से एडिट होते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर वही यूज करते हैं। और अभी मैंने पंखा बंद कर दिया है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, लाइक और व्यूज के लिए, क्योंकि यही मेरा काम है। अभी पंखा बंद नहीं करूंगा तो अभी फस आवाज आएगा। और फिलहाल देखिए फ्रेम के पीछे कौन है, जैसे ही ब्लॉग बनाऊंगा कोई ना कोई आ जाएगा डिस्टर्ब करने के लिए। अभी मैं दरवाजा बंद कर दिया, बाहर से इतना आवाज आ रहा है अब क्या घूर रहे हो। मैं इसको कितना बार बोलता हूँ कि चल मेरे साथ दोपहर में घूम के आते हैं, और ये बंदा बोलता है कि नहीं भैया हम तो गेम खेलेंगे, हम क्यों जाएंगे बाहर। अरे यार थोड़ा खेल कूद किया करो, गेम में क्या रखा है, यहाँ क्या, यहाँ हम बोलते हैं तुमको ग्राउंड में चलो, यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ ना खेला होता है ना तुम खेलते हो। अभी ग्राउंड में जाएंगे तो कल कितना मस्ती हो आप लोगों को तो दिखाएं। वैसे भी ये बंदा क्या बोले, अब मोबाइल में दिन भर, नहीं गेम में दिन भर, मोबाइल तो मैं भी चलाता हूँ, ऐसा बात नहीं है, मोबाइल मेरा हाथ में दिन भर रहता है, इससे ज्यादा मैं मोबाइल चलाता हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है, मेरे को दिन भर गाली वाली पड़ती है। मैं सिर्फ दोपहर और रात को गेम खेलता हूँ। हाँ, और वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ये दोपहर और रात को खेलता है, और सुबह ऐसा मौका मिलता है तो खेलता है। और दोपहर और रात को 24 घंटा में ये 6 घंटा ग्रैब कर लेता है, ठीक है। तो आप अब समझ जाइए, आगे मैं नहीं बताऊं, 4 बजे से 5 बजे तक खेलता और रात को 10 बजे से 11। इसीलिए मैं जब 6 बजे वापस आता हूँ, ये 4 बजे से 5 बजे तक ही खेलता है, मैं आप क्या बोल रहा हूँ सुनिए, ये 4 बजे से 5 बजे तक खेलता है, लेकिन मैं जब 6 बजे घर वापस आता हूँ मैं देखता हूँ इसके ये पबजी चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं अब कितने देर खेलता है ये। अभी वो मिनरल वाटर का जो बोतल है वो खत्म हो गया, तो हम लोग अभी फिलहाल जाएंगे तो भैया के साथ खेलते हैं। और ये गाड़ी का कंडीशन बहुत खराब है, अभी पता नहीं बीच में अगर धोखा दे दिया तो मुझे नहीं पता। तो लेट्स सी, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए गाड़ी का ये पता नहीं बहुत जोर से आवाज आया, मैं ऊपर बैठा था टीवी देख रहा था, एकदम मतलब जैसे फटाका फूटा और ये पूरा टायर उड़ गया। ये टायर बिल्कुल नया था, पता नहीं ये क्या हुआ कैसे फूटा, इन बहुत ही गंदा हालत है अभी फिलहाल टायर का।
आज लगता है उमस खराब करेगा आज पूरा, मतलब खेलने में बैंड बच जाएगा क्योंकि आधा घंटा में लगता है आज पसीना निकल जाएगा, आज बहुत ज़्यादा उमस है ड्यू टू द क्लाउड्स। और आज बारिश भी नहीं हुआ है दिन भर, थोड़ा बहुत बारिश हुआ था जब मैं अपने दोस्त के घर में गया था। फिलहाल इसको वापस करके आते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये टायर गया अंकल का, और अभी अगर टायर सलामत रहता तो अंकल को अभी अंडाल जाना था, थोड़ा अर्जेंट काम था, बाइक लेके निकले। लीजिए भैया, जो डर था वही हुआ, कार्बोरेटर में कचरा है तो गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया है, तो अभी देखते हैं मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। यहाँ दीदी का फ़ोन में फ़िलहाल टाइम लैप्स लगा दिया हूँ मैं, और ये बेसिकली मेरा जितने भी पुराने बुक्स है, सारे पुराने कॉपीज़ जब से लेके मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया है, सारे कॉपीज़ बुक्स इन सबों में हैं। और भी कुछ थे जो बेच दिया गया है क्लास 10 का, फ़िलहाल तो मैं नहीं बेचूँगा क्योंकि वो इन फ्यूचर काम में आता है, तो ये सब फ़िलहाल बेच देंगे हम। टाइम लैप्स तो आप लोगों ने इन्जॉय कर चुके होंगे आप लोग अभी तक। तो अभी ये ड्रेस देख के आपको शायद पता चल गया होगा, पता नहीं अचानक से मूड किया कि वाइट पहनते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा कल को। कोइंसिडेंटली येलो पहने येलो हो गया था कल। हाँ, वो अगर आप मेरा ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता रहेगा, तो मैंने वो चीज़ थंबनेल में डाला था तो आपको पता रहेगा। तो आज मतलब प्लान करके जा रहे हैं ऐसा करने के लिए। भाई का वीडियो बहुत इंजॉय करता हूँ मैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, इनका काम बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो गाइस, अभी आपको टाइटल या थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज वाइट है। लास्ट वाला ब्लॉग में क्या हुआ था बेसिकली, तो कोइंसिडेंटली येलो पहन के हम लोग आए थे, मेरे को एक अच्छा खासा थंबनेल मिल गया था, और लास्ट वाला ब्लॉग में तो अच्छा खासा रिएक्शन दिखा। तो आज प्लान करके हम लोग वाइट पहन के मस्त एकदम होगा, तो देख के आपको पता चल गया होगा। तो ग्राउंड में पहुँच के मैं मिलता हूँ आपसे फिलहाल, और अभी हाथ वाथ में विकेट पकड़ा हुआ, और इस बंदे ने अच्छा खासा मेरा सिनेमैटिक शॉट्स बना दिया। आशा करता हूँ आप लोग इन्जॉय कर चुके होंगे ऑलरेडी वो सब। आपको मैंने कभी शायद पहले इतने अच्छे से आज बताया नहीं रहेगा, तो आज मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ। ये जो रोड है ये बेसिकली वेलफेयर है, ये बेसिकली ग्राउंड है जहाँ पे मैं खेलता हूँ, ये उसका एंट्रेंस है। तो जाइए एक सिनेमैटिक और एक इन्जॉय करके आइए। वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग के साथ।